ईगल को आसमान का राजा भी कहा जाता है। इसकी नजरें इतनी तेज होती हैं कि कोई भी शिकार इसकी तेज नजरों से बच नहीं सकता, और इसकी हमला करने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि शिकार को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिल पाता। ऐसे में अगर ईगल की लड़ाई खूंखार पक्षी गिद्ध यानी वल्चर से हो जाए तो इनमें से जीत किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही पक्षी आसमान के सबसे खतरनाक शिकारियों में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईगल की। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईगल एक शिकारी पक्षी है जो अपनी तेजी और अचानक हमले के लिए जाना जाता है। इसकी ताकत और मजबूती की बात की जाए तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपने वजन से 4 गुना ज्यादा वजन के शिकार को हवा में लेकर उड़ सकता है। और अगर बात की जाए गिद्ध यानी वल्चर की तो इनका आकार ईगल के मुकाबले काफी बड़ा होता है, लेकिन इनकी चोंच और पंजे ईगल के कंपैरिजन में बहुत कमजोर होते हैं और ये हमेशा मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं, जबकि ईगल अपने दम पर खुद शिकार करता है। और अगर ईगल और वल्चर की लड़ाई होती है तो ज्यादा फुर्ती, नुकीली मजबूत चोंच और बेहतरीन हंटिंग स्किल्स के साथ इस लड़ाई में जीत ईगल की ही होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन जीतेगा, कमेंट करके बताना।